हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं आज बनाने जा रही हूँ गुड़ के चावल। गुड़ के चावल की रेसिपी बनाने के लिए और देखने के लिए आप मेरे वीडियो को लास्ट तक देखें, और आपको वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर बेल आइकन के बटन को ज़रूर से दबाएं। हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो मैं आज बनाने जा रही हूँ गुड़ के चावल। गुड़ के चावल बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक कटोरी जितने ये चावल लिए हैं, और लिया है घी और सौंफ और गुड़। तो चलो हम करते हैं चावल बनाने की तैयारी। तो इधर मैंने एक बाउल ले लिया है और गैस को करते हैं ऑन, और 3 चम्मच जितना डालते हैं इसके अंदर घी, और घी को मेल्ट करते हैं। तो मैंने यहाँ पे 3 चम्मच जितना घी डाला है। और गैस का फ्लेम रखेंगे कम। तो घी हमारा मेल्ट हो चुका है, तो मैं इसके अंदर डाल रही हूँ सूफ, और गैस को एक बार कर देना है बंद, और हम इसके अंदर डालेंगे 1.5 गिलास जितना पानी। गैस फिर से ऑन कर देते हैं और पानी को होने देते हैं गर्म, पानी में एक उबाल आने देते हैं। पानी में उबाल आ चुका है, तो हम इसके अंदर डाल रहे हैं चावल, और चावल को मैंने अच्छे से धो लिया है। और चावल को डाल दिया है और अच्छे से इनको मिक्स कर देना है। अच्छे से मिक्स करके हमें इनको छोड़ना है। पानी अभी इसके अंदर ज़्यादा नहीं डालना है, क्योंकि हम गुड़ है वो अलग से तैयार करेंगे। तो चावल को चला के अच्छे से मिला के ढक देना है, और गैस का फ्लेम रखना है मीडियम। मीडियम फ्लेम पे हम चावल बनाएंगे। और इधर मैंने ये 4 डली गुड़ की ली है, और डालते हैं इस बर्तन के अंदर, और 1 गिलास जितना हम डालते हैं इसके अंदर पानी, और गुड़ को है वो अलग से मेल्ट करेंगे, क्योंकि गुड़ के अंदर आता है कचरा, बहुत नीचे बहुत ही कचरा निकलता है, तो गुड़ इसके अंदर मेल्ट हो जाएगा और कचरा सारा है वो बाहर रह जाएगा। तो गुड़ को इधर पंगलाते हैं, और बीच में चावल को चला देना है ताकि चावल है वो नीचे चिपके नहीं, बीच बीच में मिला के चला के छोड़ देना है। और चावल और गुड़ दोनों को फिर से बीच में चेक कर लेना है कि कितने पके और नीचे चिपक तो नहीं रहे हैं। तो चावल अभी हमारे पके नहीं हैं, इनको चला के छोड़ देना है, बराबर से मिक्स करके। चावल जब तक हमारे 80% नहीं पक जाते, तब तक हम इन्हें पकाएंगे, और फिर इसके अंदर डालेंगे गुड़, और गुड़ को भी बीच में चला देना है, और अच्छे से पूरा बराबर एकदम से लिक्विड बना लेना है। बढ़िया सा गुड़ है उसको पिघला लेना है, तो थोड़ा सा भी गुड़ भी बाकी है। तो गुड़ है वो हमारा पिघल चुका है, तो मैं गैस का फ्लेम कर रही हूँ बंद, और चावल को भी कर लेते हैं चेक कि चावल भी नीचे चिपक तो नहीं रहे हैं, इनको भी चला के छोड़ देना है और चेक करना है कि कितना पका। तो अभी चावल थोड़े से और बाकी है, कम आंच पे ही हमें चावल को बनाना है। तो आपको मेरे गुड़ के चावल की रेसिपी कैसी लगी ये ज़रूर से बताना, और आपको रेसिपी अच्छी लगी तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर बेल आइकन के बटन को ज़रूर से दबाना, ताकि मैं अगला कोई भी वीडियो डालूं, कोई भी रेसिपी डालूं, तो उसका मैसेज आपको मिल जाए।
तो चावल हमारे कितने पके हम करते हैं चेक, और अच्छे से इनको मिलाते हैं। तो चावल है वो लगभग 80% हमारे पक चुके हैं। तो मैं इसके अंदर डाल रही हूँ गुड़ का जो हमने पानी किया था वो, और इसको छान के चावल के अंदर डालते हैं। तो जो कचरा था वो बाहर निकल चुका है छलनी के अंदर, और अच्छे से इनको कर देते हैं मिक्स। और जितने अभी हमारे चावल कच्चे हैं वो अब इस गुड़ के पानी के अंदर पकेंगे। तो इसे अच्छे से मिला के चला के छोड़ देना है, और इसको देते हैं ढक्कन लगाए। तो चावल को फिर से चेक करते हैं और अच्छे से इनको मिलाते हैं। तो चावल है वो हमारे लगभग पक चुके हैं, एक आंच और लगने देते हैं। और फिर से करते हैं चेक, अच्छे से इनको मिलाना है और हाथ से चेक कर लेना है कि चावल कितने पके। तो चावल हमारे पक के एकदम से अच्छे से तैयार हो चुके हैं। तो मैंने यहाँ पे थोड़े से काजू और बादाम लिए हैं, वो इसके अंदर मिला देते हैं। और एक कटोरी जितना ये लिया है नारियल का बुरादा, और वो भी इसी के अंदर मिला देते हैं, और अच्छे से इनको मिला देना है। अच्छे से मिला के, और मैं गैस का फ्लेम कर रही हूँ बंद, और 5 मिनट के लिए इनको ढक के छोड़ देते हैं। तो ये एकदम से अच्छे सेट हो जाएंगे। मिनट हो चुके हैं और हमारे चावल है वो अच्छे से सेट हो चुके हैं। तो आपको मेरी चावल की रेसिपी कैसी लगी ये ज़रूर से बताना, और एक बार चावल है वो गुड़ के चावल है वो ज़रूर से बना के ट्राई करना। हमारे खुले खुले गुड़ के चावल है वो बन के तैयार हो चुके हैं।